हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो सनराइज़ हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। अभी आप देख सकते हो कलाकारी का भी क्या बोल रहे हैं ना, एक दो दिन रुक जाओ, पापा को आने तो ठीक करा देंगे। तुम लोग इसको क्यों खोल रहे हो, ये वाला ये खोल खाल के क्या कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे अभी ये देखिए पूरा ये मनीषा और गोलू ना खोल के ये सब खोल के और ये मतलब कल से लगे हैं। इसका नट लगा दो, मैं बोल रही हूँ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं रुक रहे। और यहाँ पे ये देखिए ये कीबोर्ड है और ये स्पीकर माउस भी इसी में है। तो ये सब मंगाना पड़ा नया, क्योंकि कीबोर्ड नहीं था इसके साथ। और फिर इसको अभी दुकान में ले जाना पड़ेगा ठीक कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी ना सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे धूप ना बहुत ज़्यादा निकल गया, बहुत ज़्यादा। और अभी मैं जा रही बाल झाड़ने और गोलू आज स्कूल जाएगा, तो गोलू का स्कूल मुझे भी जाना है, तो काम है कुछ। तो गोलू के साथ अभी मैं भी जाऊंगी, सुबह सुबह अभी मैं रेडी हो रही हूँ। और तो चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हुआ जल्दी करो, ब्रश करके नाश्ता कर लेना, ठीक है हमारे, है ना। तो और डुग्गू का स्कूल ना अभी लेट है खुलने में, 11 तारीख को एक बार खुलेगा। तो यहाँ पे अभी काफ़ी टाइम बाद में मिल रही हूँ। तो अभी मैं गई थी गोलू का स्कूल, तो गोलू का स्कूल में काम हो गया। उसके बाद जो है अभी सुबह सुबह ना मतलब चाय बस में पी थी और कुछ भी नाश्ता वगैरह नहीं की थी, और 11 बज गया था करीब। तो बहुत ज़ोर से ना भूख लग गया था, तो मैं अभी यहाँ पे खा रही हूँ पानी पूरी। तो अभी हम लोग इधर आके ना मतलब पानी पूरी का बोलने का आदत हो गया, नहीं तो पहले दिल्ली में रहते थे तो वहाँ पे गोलगप्पा बोलते थे। तो इसका ना बहुत सारे अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे अभी पानी पूरी खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे फिर से ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अभी मनीषा का ड्रेस लेने के लिए मैं आई थी। तो मनीषा का भी जो है स्कूल बस खुलने वाला है मंडे से, इसी मंडे से। तो यहाँ पे उसके लिए ड्रेस लेना है, उसके बाद सिलवाना है। वैसे तो बना हुआ ड्रेस भी मिल रहा था, तो उसका कपड़ा उतना अच्छा नहीं लगा, तो इसी वजह से अभी मैंने कहा कि इसका ये कपड़ा लेते हैं और उसके बाद ड्रेस सिलवाएंगे, वो फिटिंग भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, ज़्यादा दिन तक टिकेगा भी। तो यहाँ पे ये देखिए अभी इसका मनीषा का जो है दो ड्रेस चलता है और सूट सलवार जो है वो चलेंगे। तो यहाँ पे ये ब्लैक और वाइट और एक जो है पूरा वाइट कलर का रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखिए चप्पल का जो है सेल लगा था, तो यहाँ पे बहुत सारे ये स्लीपर थे यहाँ पे। तो एक मनीषा जो है यहाँ पे लेती है और ये मतलब 200 का सेल लगा था। और ये ना बिल्कुल प्लास्टिक का जो होता है ना, प्लास्टिक के स्लीपर वैसा था, तो घर में पहनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे और कलर भी काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे ये ग्रीन वाला जो है मनीषा को पसंद आता है, तो फिर वो जो है लेती है। हेलो फ्रेंड्स, अभी ना मैं दो दिन बाद में मिल रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है। मतलब थोड़ा सा क्यों, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही तबीयत ख़राब था। तो अभी मैं दो दिन के बाद एक ही बार मिल रही हूँ और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है। अभी मैं बालकनी में खड़ी हूँ और यहाँ का हमारे यहाँ का व्यू अभी आप देख सकते हो। और गर्मी ना काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गया है, क्योंकि दो चार दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। और अभी मैं यहाँ पे यहाँ का जितना भी सारा काम वगैरह, बच्चों का भी स्कूल वगैरह, किताबें, कॉपी, ड्रेस वगैरह सारा जो है मुझे ही अभी करना पड़ रहा है, क्योंकि ये अभी ज़्यादातर अभी वहाँ पे फार्म का काम में ही रहते हैं, तो वहीं पे फिर नहीं आ पाते, तो इसी वजह से।
और वहाँ का भी कुछ कुछ काम है, तो वहाँ पे भी मतलब अभी काम अभी निपटाना बहुत बाकी है। तो और मेरा बीच में तबीयत भी ख़राब हो जा रहा है, तो मैं वीडियो भी मतलब कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को थोड़ा सा वॉच कीजिए और फुल वॉच कीजिए, और हाँ लाइक भी ज़रूर कीजिए। और बच्चे सब ना अभी गए हैं खेलने नीचे, क्योंकि शाम के टाइम अभी खेलने जाते हैं, थोड़ा सा नीचे या छत पे चले जाते हैं, और मैं अभी अकेले हूँ घर में, और मनीषा भी है। दो तीन दिन से मेरा ये जो है वीडियो कंटिन्यू हो रहा है, तो कुछ भी बीच में जो है मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी ना मैं अपना शॉपिंग दिखाना चाहती हूँ जो कि मैंने अमेजोन से किया है, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स। तो अभी आप देख सकते हो इस बॉक्स में कुछ इसमें है प्रोडक्ट बहुत सारे। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, एक एक करके प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने मंगाया था हेयर रिमूवर, ये जिलेट का बेनिश स्मूथ है ये बहुत। तो इससे बहुत इजी तरीके से आप अपने हेयर को रिमूव कर सकते हो। इसका ना मैंने पहले भी एक मंगाया था, तो बहुत ही अच्छा लगा और इसी वजह से मैंने ये मंगाया। तो चलिए मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से होता है, बहुत इजी तरीके से आपके हेयर जो इससे रिमूव हो जाते हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो है मैंने हिमालया का कुछ प्रोडक्ट मंगाया था। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो हिमालया का शॉप है ये, इसमें ना नीम और टर्मरिक है, इसमें बहुत सारा है, मतलब 3 के साथ 1 जो है फ्री है। तो ये जो शॉप है ना बहुत ही अच्छा रहता है, और हम लोग पूरा फैमिली इसी को यूज करते हैं। तो एक साबुन ना काफ़ी दिनों तक चल जाता है, और एक जो है 125 ग्राम का होता है। तो कुछ इस तरीके, तो ये देखिए, और इसके अंदर से ना कुछ इस तरीके से होता है, तो बहुत दिनों तक ना ये सॉप जो है चल जाता है। तो हम लोग ना यही वाला रेगुलर यूज करते हैं, तो फिर ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये वाला मंगाया है, मतलब ये पूरा पैकेट इस तरीके से, और मुझे डिस्काउंट भी मिला था, तो इसी वजह से मैंने मंगाया। और अगला जो है ये हिमालया का ये शैम्पू है, इतना बड़ा बोतल है अभी आप देख सकते हो। तो ये जो शैम्पू है ना ये डैंड्रफ को रिमूव कर देता है, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है। तो देखते हैं इसको यूज करके कैसे रहता है, और हेयर को भी ना हेल्दी बना देता है। तो ये मुझे ये 700 ml का मिला हुआ है, और इसका प्राइस भी बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिला है। तो ये शैम्पू मैंने मंगाया है। उसके बाद जो है मैंने हिमालया का नीम फेस वॉश मंगाया, मतलब तो ये फेस वॉश जो है ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि ये नीम, इसमें ना नीम है, टर्मरिक है, और बहुत ही अच्छा है। तो ये भी 300 ml का जो है मिल जाता है, जो कि काफ़ी दिनों तक चलेगा। तो ये मैंने मंगाया एक, और उसके बाद जो है मैंने एक कंडीशनर मंगाया छोटू सा, ये है हिमालया का एंटी हेयर फॉल कंडीशनर, और ये ना ये मुझे 100 ml का मिला हुआ है, और बहुत ही अच्छा है ये। तो ये भी कंडीशनर है ना, ये भी हेयर को जो है स्मूथ बना देता है, रिड्यूस हेयर फॉल को भी हटाता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। इसके सारे के ना रिव्यू वगैरह मैंने देखे तो अच्छा लगा, और हिमालया का जो प्रोडक्ट होता है तो अच्छे रहते हैं, तो इसी वजह से मैंने मंगाया। इसके बाद जो है ये निविया का सॉफ्ट, तो ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। आप ना इसको जो है फेस पे, बॉडी पे, हैंड पे आप इसको जो है यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। ये 300 ml का है, जो कि आपको काफ़ी कम प्राइस में ना बहुत दिनों तक चल जाएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो साइड में ना मैं जो है अपने एक पिक लगा दूंगी। तो अभी आप देख सकते हो ये वाला कॉम मैंने मंगाया है, जो कि स्टील का है। ये जो इस कॉम से जो है ना लाइस एग जो होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, तो इसी वजह से मैंने मंगाया है। इसके रिव्यू वगैरह मुझे बहुत ही अच्छे लगे, तो ये कॉम मैंने मंगाया जो कि स्टील का है, तो इसको आप भी यूज कर सकते हो। तो आपके बालों में अगर लाइस के एक के प्रॉब्लम है तो इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, और इसको ना कई दिनों से मैं यूज भी कर रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा है, और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, प्राइस भी ठीक ठाक है। तो ये सारे थे मेरे ब्यूटी के प्रोडक्ट जो कि मैंने अमेजोन से शॉपिंग किया है। तो इसके सारे लिंक ना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको मिल जाएगा, तो अगर आपको भी परचेस करना है तो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे लिंक के थ्रू। अगर आप लेते हो तो इसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, माय हॉल स्टोर करके एक लिंक मिलेगा, तो उस पर क्लिक करते हो ना आपको सारे प्रोडक्ट जो है देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।